दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। बरमूडा ट्रायंगल, इस जगह का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। ये वो जगह है जहां से आज तक सबसे भारी मात्रा में समुद्री और हवाई जहाज गायब हुए हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि दुनिया में बरमूडा ट्रायंगल ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर इंसानों से लेकर जहाज तक गायब हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बरमूडा ट्रायंगल जैसी ही अनेक जगहों के बारे में बताएंगे। ये जगह ब्राजील के तट से करीब 300 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर हमारी पृथ्वी के अंदर की वैन एलन रेडिएशन बेल्ट अनेक ग्रहों से सबसे नजदीक होती है। इसके कारण यहाँ रेडिएशन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसे साउथ अटलांटिक एनोमली नाम दिया गया है। रेडिएशन की ये एनोमली ज्योग्राफिक सेंटर ध्रुवीय क्षेत्र में ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र में पैदा होती है। साउथ अटलांटिक एनोमली के फैलाव को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। इसे 13 लाख वर्ग किलोमीटर से लेकर 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक माना जा रहा है। कहा जाता है कि यहाँ पर सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ से गुजरने पर हबल टेलीस्कोप वास्तव में बंद कर दिया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब इस क्षेत्र में होता है तो उस समय स्पेस वॉक का शेड्यूल बंद कर दिया जाता है। ये दिन में 5 बार होता है। दुनिया में सबसे अधिक विमान लापता होने की घटनाएं इसी क्षेत्र में हुई हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस रहस्यमय क्षेत्र के विचित्र प्रभावों का कारण अभी तक सही से पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन इतना तो तय है कि सबसे ज्यादा रेडिएशन इसी स्थान में पैदा होती है। मिशिगन ट्रायंगल मिशिगन लेक के मध्य में स्थित है। लेक मिशिगन अमेरिका की सबसे 5 बड़ी झीलों में से एक है। ये 307 मील लंबी और 188 मील चौड़ी है। लेक मिशिगन इलिनॉइस, मिशिगन, इंडियाना और विस्कॉन्सिन राज्य तक फैली है। यहाँ पर कई हवाई और समुद्री जहाज गायब हो चुके हैं। मिशिगन लेक में अब तक 40 से भी ज्यादा प्लेन्स लापता हो चुके हैं। जून 1950 में न्यूयॉर्क से नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 2501 ने मिनियापोलिस से उड़ान भरी और लेक मिशिगन में फंस गया। उस विमान में सवार 55 यात्रियों में से कोई भी नहीं बच सका और विमान का भी आज तक कुछ पता नहीं चल सका। 28 अप्रैल सन 1937 को ओएम मार्क फारलैंड मालवाहक शिप विस्कॉन्सिन के पोर्ट वाशिंगटन के लिए रवाना हुआ। ये जहाज जब मिशिगन ट्रायंगल से होकर गुजर रहा था, तब इसके कैप्टन जॉर्ज आर डोनर अपने कैबिन से अचानक गायब हो गए। चौंका देने वाली बात तो ये थी कि उनका कैबिन भी अंदर से बंद मिला था। कई रहस्यमय आकृतियां देखने की रिपोर्ट्स आने के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्पेशल लेक रिपोर्टिंग सर्विस शुरू की, जिसमें ऐसी घटनाओं को दर्ज किया जाता है। अंजिकुनी लेक कनाडा के किवलिक रीजन में नुनेवुट में स्थित है। यहाँ पर अंजिकुनी गांव के लोगों के गायब होने की रहस्यमय घटना प्रचलित है। साल 1930 में अंजिकुनी लेक के किनारे बसे इस गांव के सारे लोग एक दिन अचानक ही गायब हो गए। जॉय लाबेल नाम का एक व्यक्ति जब इस गांव में आया तो उसने देखा कि घर के चूल्हों में खाना पकाने के लिए रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सारे लोग अधूरा काम छोड़कर कहीं गायब हो चुके हैं। पुलिस की तहकीकात करने पर आसपास के गांव वालों ने आसमान में एक अजीब सी आकृति को देखने का दावा किया, जो सीधा अंजिकुनी गांव की तरफ बढ़ रही थी और इसके बाद उन लोगों का कभी पता नहीं चल सका। वैसे तो अंजिकुनी लेक पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। इस स्थान की और जानकारी के लिए आप हमारी उस वीडियो को जरूर देखें।
ये जगह अमेरिका के एबिंगटन और फ्रीटाउन के पास स्थित है। ये 200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस क्षेत्र में कई रहस्यमय जीव और रोशनी दिखाई देती रही है, जैसे कि विशालकाय और अजीबोगरीब आकार के पंछियों का नजर आना, जिनके पर 8 से 12 फीट लंबे हैं। 1970 में कई रिपोर्ट्स आईं, जिनमें लंबे बालों वाले वानर दिखाई देने का दावा किया गया। 1976 में राक्षस जैसी लाल आंखों वाला व्यक्ति एक कुत्ते के साथ दिखाई देता था। फ्री टाउन के पास कई जानवरों की लाशें बेहद बुरी हालत में पाई गई थीं। साल 1988 में यहां पर बहुत सी गायें और भैंसों की लाशें मिली, जिनकी हालत देखने के बाद ये अनुमान लगाया गया कि शायद इनकी बलि चढ़ाई गई होगी। यहां पर कई बार ब्लैक कलर का एक रहस्यमय हेलीकॉप्टर और कई यूएफओस भी देखे गए हैं। एक लोक कथा के अनुसार सदियों पहले यहां पर अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों पर जुल्म होने के कारण उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया था। तब से लेकर आज तक यहां पर कई असामान्य गतिविधियां होती रहती हैं। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।